तो गाइस देखिए यहाँ पे अपन इसको रिपेयर करेंगे, जो लीकेज अपने को यहाँ से मिला है टंकी का उसको रिपेयर अपन कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्जुन लाल कुमावत और आप देख रहे हैं कुबे टेक्निकल गुरुजी। दोस्तों आज मैं आया हूँ 1000 लीटर कैपेसिटी प्लास्टिक वाटर टैंक आप देख रहे हैं रिपेयरिंग के लिए। हमारे साथ में हैं कैलाश शर्मा जी, जिन्होंने मुझे YouTube पे देखा है टंकी रिपेयर करते हुए, काफ़ी अच्छा लगा इनको इसीलिए इन्होंने मुझे याद किया है। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे कैलाश शर्मा जी अपने साथ में हैं, किस प्रकार से हमारा जो वीडियो है इनको कैसा लगा और अपने को जो बुलाने का पर्पज़ यहाँ पे है वो क्यों बुलाया इन्होंने। मैंने आपको YouTube पर देखा। अच्छा, आपने YouTube पर देखा और आपका कार्य मुझे बहुत पसंद आया। बहुत पसंद आया, फिर मैंने ये सोचा कि अर्जुन जी को बुला लो आज। तो फिर मैंने आज आपको याद किया, आप आए और टंकी को रिपेयरिंग करने के लिए, देखते हैं कैसी रिपेयरिंग करते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि अपने पास में 1000 लीटर कैपेसिटी में यहाँ पे देखिए दो टंकियाँ लगी हुई है, तो इनका जो लीकेज है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये जो ये हिस्सा यहाँ से पोर्सन है यहाँ पर, ये देखिए ये वाला, क्योंकि जगह थोड़ी काफ़ी कम है इसलिए मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर दिखा नहीं पा रहा हूँ पास में लेके। यहाँ से ये देखिए इनका ये टूटा हुआ है, तो इस वाले को और इन्होंने यहाँ पे एक मतलब प्लास्टिक के देखिए इन्होंने हाथ में ले रखे हैं ये वाले, ये जो एक रबड़ आता है मतलब मोटरसाइकिल का ट्यूब जिसे अपन बोलते हैं वो इन्होंने लगाया हुआ था इस पर, लेकिन ये सक्सेस नहीं है और अभी अपन इसको रिपेयर करेंगे। तो इससे पहले मैं एक बार आपको अंदर से भी दिखाता हूँ, क्योंकि अभी तक इनका जो अंदर से लगाया हुआ है वो देखिए अंदर से अभी तक लगाया हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये जो आपको काला सा दिख रहा है रबड़ का ट्यूब यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है। तो गाइस देखिए यहाँ पे अपन इसको रिपेयर करेंगे, जो लीकेज अपने को यहाँ से मिला है टंकी का उसको रिपेयर अपन कर रहे हैं। ये जो यहाँ पे धूप की वजह से बाहर का प्लास्टिक इसका ख़राब हो गया है उसको हटाएंगे यहाँ से, ताकि अपना जो वेल्डिंग है वो बढ़िया हो। गाइस देखिए यहाँ पे ये टंकी काली है, मतलब इसका ब्लैक कलर है, तो अपन ब्लैक वेल्डिंग रोड से ही इसको वेल्डिंग करेंगे, कलर वाइज काम अपन करेंगे जिससे ये भद्दा नहीं लगेगा और दूर से देखने पे किसी को मालूम भी नहीं चलेगा भाई ये टंकी यहाँ से रिपेयर करी हुई है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए प्लास्टिक वेल्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ आज, 1000 लीटर कैपेसिटी वाटर टैंक जो लीकेज हो जाता है डैमेज हो जाता है उसे रिपेयर करना आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी कर लें और बेल आइकन का बटन भी आप ज़रूर दबाएं, ताकि जो नए वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। काफ़ी कम लोग हैं जो प्लास्टिक वेल्डिंग के बारे में जानते हैं किस प्रकार से वेल्डिंग होती है। आप देख पाएंगे देखिए यहाँ पे बहुत ही एक अच्छी टेक्निक है ये प्लास्टिक को रिपेयर करने का, ये अपना रिपेयरिंग हो रहा है, बिल्कुल लोहे की वेल्डिंग की तरह ही होता है। जिस प्रकार से लोहे को अपन जोड़ लेते हैं आसानी से वेल्डिंग रोड के द्वारा, वैसे ही ये वेल्डिंग अपना यहाँ से हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि देखिए यहाँ से अपन ने इसको वेल्ड कर दिया है और अब इसमें से पानी नहीं आएगा बिल्कुल भी, एकदम बढ़िया तरीके से ये देखिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो अपना बहुमूल्य जो कमेंट है वो मुझे ज़रूर दें ताकि मेरा हौसला बढ़े और आपके लिए ऐसे ही वीडियोस में आगे भी लेके आऊँ। धन्यवाद।